नंबर वन फैक्ट्री टेल्स कॉन्टिन्यूज। इस वीडियो को टिम सेवर नाम के एक टिकटॉक यूजर ने शेयर किया था, जिनकी हॉन्टेड फैक्ट्री के कुछ क्लिप्स एंड स्टोरी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। बट टिम को जो लग रहा था कि उनका यह हॉन्टेड सफर यहीं पर ख़त्म हो गया है, ऐसा एक्चुअली में नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब वो वापस अपने बिल्डिंग की उस अबैंडन एंड हॉन्टेड सेक्शन वाले एरिया में गए थे, जहाँ पिछली बार हमने देखा था कि क्या क्या नज़ारे कैप्चर हुए थे उनके कैमरा में, सेम उसी जगह पर एक रात इनको फिर से एक काफ़ी ज़्यादा क्रीपी चीज़ देखने को मिलती है। हैव अ लुक कि वो क्या थी। इस बार तो क्लियरली किसी के हैंड्स उस जगह पर नज़र आते हैं, बट श्योरली नो वन वॉज देयर एट ऑल। जब उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट को भी ऑन किया था, तब भी लाइक दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या इस बिल्डिंग की मिस्ट्री के अंदर अब बस ये वाली वीडियो एक और पजल का टुकड़ा बनकर एड ऑन हो जाएगी, या फिर आपके कुछ और विचार हैं इस बारे में? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर टू पोजिशन ऑफ ओइजा। इस वीडियो को भी एक टिकटॉक यूजर ने शेयर किया था, जिनके मोहल्ले में रिसेंटली लूसिया नाम की एक लेडी जस्ट पास्ड अवे, एंड लूसिया के स्पिरिट से कांटेक्ट बनाने के चक्कर में रिकॉर्डर अपने घर में एक ओइजा बोर्ड सेशन ट्राई करते हैं। एंड अपने ओइजा के पहले सेशन के बाद से ही उनके घर में बहुत सारी रैंडम एंड काफ़ी स्केरी पैरानॉर्मल चीज़ें अक्कर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे इस वीडियो क्लिप में आपको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाएगी। नेक्स्ट डे जब ये रिकॉर्डर अपने घर में इसी सेम जगह पर वापस आते हैं, तब चीजें और भी बहुत ज्यादा क्रीपी होना शुरू हो गई थी। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर भी इनका हॉन्टेड सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अनदर नाइट जो इनके साथ में चीजें हुई, वो तो सच में बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन थी। इस बार तो ऐसा ही लगता है जैसे जो चीज़ इनको इतने समय से हॉन्ट कर रही थी, वो इनको अपना सबसे ज़्यादा स्केरी फॉर्म शो कर ही देती है, क्योंकि जिस तरह से एंग्री थंपिंग साउंड्स आई थी इनके स्टेयर्स में से, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या सच में लूसिया नाम की स्पिरिट ने इनकी कॉल को सुन लिया था? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोस्ट बेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल आईपीएल चल रहा है, पर आपके पास मौका है कि आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। एंड्रू रसल तक इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको बस इसमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन मैच जीतेगा। इवन आप इसमें बॉल्स ओवर पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने रन्स जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, कबड्डी या सेक्टर जैसी गेम्स पे भी आप प्रिडिक्ट करके मनी अर्न कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप मैच को भी देख सकते हो। मोस्ट बैट में आप इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं जीपे, फोन पे, पेटीएम, एक्सेट्रा के थ्रू। इसमें आपको कसिनो गेम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक एविएटर, लाइव कसिनो, एक्सेट्रा। करोड़ों लोग मोस्ट बैट पे खेल रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साइन अप करें एंड यूज करें मेरा प्रोमो कोड हैप्पी और पाए मोटर बाइक, लकी ड्रॉ गिफ्ट, साइंड मर्च, टी शर्ट एक्सेट्रा जीतने का मौका भी। लेट सेलिब्रेट दिस मोमेंट विद आंद्रे रसल एंड मोस्ट बेट एंड जीते एक्साइटिंग प्राइजेस भी। नंबर थ्री द पैरानॉर्मल एविडेंस। इस वीडियो को स्मिथ नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था, जिनका मानना था कि उनका हाउस काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। इतना ज़्यादा हॉन्टेड कि एक दिन जब भी अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे, तब कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गई थी इनके लिविंग रूम में से। एंड तब उन चीज़ों को चेक करने से पहले उन्होंने अपना फ़ोन का कैमरा ज़रूर ओपन कर लिया था। एंड वैसा करने के बाद देखो कि एक बार क्या चीज़ आ गई थी उनके कैमरा में।
ऐसा नहीं था कि इस रूम में इनको वापस कुछ स्केरी हैपनिंग्स देखने के लिए नहीं मिली थी। एक और खौफनाक नज़ारा कुछ समय बाद फिर से इनके सामने घटित होना शुरू हो जाता है। जो बेयर इनके टीवी के साथ में रखा हुआ था वो सडनली धीरे धीरे अपने आप से मूव करता करता नीचे गिर जाता है। लेकिन इनका ये सिलसिला तो बस शुरू ही हुआ था, अब इनके बेसमेंट में से भी काफ़ी सारी हॉरिफाइंग चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई थी। तो एक बार देखिए कि ऐसी क्या चीज़ें इनका इंतज़ार कर रही थी। इनके बेसमेंट के डोर पर बहुत ज़्यादा नॉकिंग्स हो रही थी। हाउएवर जब उन्होंने उस दरवाजे को अप्रोच किया तब ओपन करते ही वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड जब स्मिथ वापस ऊपर आ रहे थे तो उनके सामने मौजूद एक रॉकिंग चेयर खुद से मूव करने लगती है, विच वॉज़ अ वेरी क्रेजी सीनेरियो वंस अगेन। अगले दिन फिर से इनको कुछ नॉकिंग साउंड्स आ रही थी बेसमेंट वाले डोर से, बट इस बार तो एक और क्रीपी नज़ारा उनका वेट कर रहा था। अगली रात को स्मिथ फिर से एक रैंडम रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने लिविंग एरिया के पास वाली जगह के अराउंड में। एंड इस बार तो चीज़ें इनके कैमरा में जो आई थी वो तो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अचानक से अब इनके किचन में मौजूद लगभग सारे ड्रोर्स एंड कबर्ड्स अपने आप ओपन हो चुके थे। एंड क्लियरली ऐसा कैसे मुमकिन था, नो वन स्टिल नोज। जो चीज़ इनके लिविंग एरिया से शुरू हुई थी वो इनके बेसमेंट, किचन एंड इवन पूरे घर तक फैल चुकी थी। तो क्या इसका मतलब कोई रियली इविल पावर सच में जाने अनजाने में इनके साथ लर्क अराउंड कर रही थी? आपको क्या लगता है? नंबर 4, द स्पिरिट्स इनसाइड। इस वीडियो को ट्रिस्टन नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था, जिनके कुछ पास्ट वीडियोस को हमने इस चैनल पर शेयर भी किया है। लेकिन इनके साथ जो पैरानॉर्मल चीज़ें होनी लिखी हुई थी वो रुकती नहीं है। एंड इनकी जो पहली रिकॉर्डिंग देखने वाले हो वो ट्रिस्टन के एक रात के एक हिडन कैमरा में से रिकॉर्ड हो गई थी। एंड जो चीज़ कैप्चर हुई थी वो देखो एक बार बहुत ध्यान से। ये जो हैंगिंग कॉर्ड था इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियरली इसकी स्लीव्स ऐसे ऊपर होती हुई दिखाई देती हैं जैसे कोई इनको पहन के बैठा हुआ था। एंड साथ ही साथ नीचे रखा हुआ कुछ सामान भी काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से मूव करने लगता है। इसके बाद इनको फिर से काफ़ी रैंडम नॉइसेज आना शुरू हो जाती हैं अपने घर के प्रिमाइसिस में से। एंड वो काफ़ी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि वॉट इज़ जस्ट हैपनिंग, इसलिए वो खुद एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने घर में टहलते हुए। एंड एक बार थोड़ा गौर से ज़रूर देखना कि क्या सिनेरियोज उनका इंतजार कर रहे थे। Thank you.
ऐसी ही एक सिमिलर घटना फिर से इनका इंतजार कर रही थी, विच वॉज ऑल्सो जस्ट हार्ट टेरिफाइंग। जब ट्रिस्टन के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, तब इनके एक हिडन कैमरा के अंदर भी कुछ ऐसा नज़ारा कैप्चर हो गया था। क्या ट्रिस्टन को जल्दी अपनी लोकेशन खुद से बदल लेनी चाहिए बिफोर समथिंग मोर बिजार स्टार्ट्स टू हैपन? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नंबर 5, द हॉरिफाइंग क्रिएचर। इस वीडियो को एक दोस्तों के ग्रुप ने रिकॉर्ड किया था जो बर्लिन शहर के रहने वाले थे, एंड इनकी सोसाइटी के थोड़ा पास में एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी जिसको ना ही सालों से रेनोवेट किया गया था एंड ना ही कोई काम उसके ऊपर किया गया था। दैट बिल्डिंग वॉज जस्ट एन एम्प्टी एंड क्रीपी मेस। ये ग्रुप अपनी लाइफ में पहली बार रात के समय में उस बिल्डिंग के अंदर गए थे, एंड जाने के बाद क्या नज़ारा उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, थोड़ा गौर से जरूर देखना। C'est vers où? Elle est où l'alarme en fait? L'alarme, elle est vers de la partie de quoi? Là, là? Non, là, tu vois, elle est où la partie? Le petit quoi? En fait, elle est là. Ah, le petit truc rouge là? Elle est là. Et ici aussi, du coup? Ah, je sais pas. Et il y a une voiture là? Ah non, c'est là. C'est la lumière qui est là. Mais est-ce que si on coupe tout? Non, mais attends. Ça s'allume plus. Mais non, il n'y a plus de batterie. Ah mais c'est normal, c'est la vieille batterie. Ben oui. Attends. Attends, attends. Non, 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 attends, attends. Tiens. Donne-la. Non, 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 c'est pas vrai, je suis déjà allée. Mais viens, viens. Là, ça sonne. क्या आप वो देख पाए? क्लियरली एक ह्यूमनॉइड सी फिगर जिसकी शेप एंड स्ट्रक्चर एंड स्पेशली उसकी आईज जो इतना ज़्यादा ग्लो कर रही थी, किसी ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। एंड ऐसा भी लगता है जैसे वो क्रिएचर वहाँ पर कोई चीज़ खाती हुई नज़र आ रही थी। बट श्योरली ये लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान, एंड इनके रिएक्शन से आप ये चीज़ गेस भी कर सकते हो अच्छे से। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ थी वो, कोई क्रिएचर या जस्ट अ होमलेस ड्यूड? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी जरूर लिखना। नंबर 6, दी अनबिलीवेबल आई साइट। इस वीडियो को टेरर एलेक्सट्रीमा नाम के कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्ड किया था जो एक काफ़ी ज़्यादा सुनसान जंगल साइट जगह में गए हुए थे, एंड वहाँ पर ये लोग पूरी रात रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान आउट करते हैं। एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका जो हिडन कैमरा था उसके अंदर एक ऐसा नज़ारा भी कैप्चर हो गया था, ध्यान से ज़रूर देखिएगा एक बार। अगर आपने गौर से देखा होगा तो एक अननोन ब्लैक शैडो लाइक फिगर इस जगह पर इमर्ज होती हुई दिखाई देती है, एंड बाद में उसी जगह पर अपीयर और डिसअपीयर भी होती हुई नज़र आती है। तो क्या वो सच में उस जंगल में रोम अराउंड कर रही कोई पॉसिबल रियल स्पिरिट थी, जैसा काफ़ी लोग मानते भी हैं? आपको क्या लगता है? नंबर 7, पोजेशन ऑफ द पोजेस्ड। इस वीडियो क्लिप को थियागो नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था जो अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए एलिजेडली एक ऐसी हॉन्टेड जगह के अंदर गए हुए थे जहाँ के लिए बहुत सारे लोग ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि यहाँ पर पोजेस्ड लोगों को रखा जाता है, एंड इस बिल्डिंग में लोगों के ऊपर एक्सॉर्सिज्म भी परफॉर्म किया जाता है, एंड और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी रूमर्स भी इस बिल्डिंग के पीछे रोम अराउंड कर रहे थे न जाने कितने टाइम से। एंड जब थियागो एंड उनकी टीम इसी रूमर्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में गए थे, तब उनको भी एक ऐसी लेडी सफ़र
करती हुई देखने को मिल जाती है, जिसको देखकर शॉर्ली एक बार के लिए तो ऐसा जरूर लग रहा था जैसे वो भी किसी पोजीशन का शिकार हो चुकी है। हैव अ क्लोज लुक। ओह मेरे देव, que é isso? Olha lá, Thaís. Thiago do céu. Jesus, não vai. Ela se soltou. तो क्या सच में ये लेडी एक पोजेस्ड लेडी थी या फिर एवरीथिंग वॉज जस्ट एक्सप्लेनेबल? अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर लिखना। एंड दोस्तों, अगर आप इसी तरह से फ्यूचर में भी ऐसी हॉन्टेड एंड स्केरी वीडियोस को देखते रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ताकि आने वाली कोई भी हॉरर डोज आप कभी भी मिस ना कर बैठो।